साथ जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है, उसकी कहीं ना कहीं गलती, बट जो मुनावर के साथ बुरा है वो बहुत ही बुरा है, बहुत ही गलत है। दोस्तों, मिस्टर फैसो और प्रिंस नरूला ने किया मुनावर को सपोर्ट। मिस्टर फैसो ने कहा मुनावर गलत नहीं है और जो उसके साथ हो रहा है वो गलत दिखाया जा रहा है। मुनावर बहुत अच्छा लड़का है और मिस्टर फैसो से पूछा गया कि विनर कौन आ सकता है, तो मिस्टर फैसो ने मुनावर को विनर के रूप में चुना है। बताना चाहेंगे कौन विनर बन रहा है? आप बताओ कौन विनर बन रहा है? मुनावर। मुनावर सही जा रहे हो आप? बिग बॉस में किसको सपोर्ट कर रहे हो? मुनावर को शुरू से करते आया हो तो मुनावर को ही करूँगा। उसके साथ जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है, उसकी कहीं ना कहीं गलती, बट पर्सनल चीज़ें बहुत इन्वॉल्व हो गई है घर के अंदर। भाई प्रिंस नरूला ने भी मुनावर को सपोर्ट करते दिखे और मुनावर के हक में बोला कि मुनावर के साथ हो रहा है गलत। अगर वो कुछ नहीं बोल रहा है या मुँह छुपा कर बैठा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो गलत है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो किसी की बेइज्जती नहीं करना चाहता है और किसी की इज्जत को खराब नहीं करना चाहता है। चलिए आपको दिखाते हैं एक झलक। बट जो मुनावर के साथ बुरा है वो बहुत ही बुरा है, बहुत ही गलत है। अगर लड़का कुछ नहीं बोलता और लड़का अगर मुंह झुका कर बैठा है तो इसका मतलब वो नहीं है कि वो गलत है। इसका मतलब वो है कि वो किसी और की बेइज्जती नहीं करना चाहता और किसी और की इज्जत को ख़राब नहीं करना चाहता। सो आई नो मुनावर वेरी वेल एंड मुनावर बहुत ही अच्छा इंसान है, कभी किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करता। सो वी स्टैंड विद मुनावर। तो भाई मिस्टर फैसो की तरह प्रिंस नरूला ने भी मुनावर को विनर बताया और अभिषेक को कहा ट्रॉफी इन दोनों के हाथ में ही जाने चाहिए और किसी के हाथ में नहीं। और मेरी नज़र में दो ही विनर हैं, अभिषेक या मुनावर। इन दोनों में से कोई भी जीते तो ट्रॉफी इन दोनों में आनी चाहिए और कोई लायक नहीं है ट्रॉफी के। और अभिषेक के साथ जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, बट अच्छी बात है कि वो वापस घर पर आ गया। फिलहाल दोस्तों, आपको क्या लगता है कि कौन विनर हो सकता है? हमें अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आपको आने वाली ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।